आपने इमरान खान जी के लिए भी बड़ा प्यारा सा पैगाम दिया था, आप रोए भी थे, तो वो क्या था? चलो कहता इमरान खान प्लीज, अगर इमरान खान को कुछ हो गया ना तो मैं यहाँ पे इस स्टूडियो में आपके अलावा किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सब बहुत खुश हो गए, देखो ये सब केले खाते हैं, ये केलों की आवाम है। नहीं पर इतनी मोहब्बत इमरान खान से? हाँ बहुत ज़्यादा मेरी मोहब्बत है उनसे, क्योंकि उसने जो है माशाल्लाह कुछ लीडर्स होते हैं ना, तो सिर्फ मोहब्बत ऐसे नहीं होते कि आप बस उससे मोहब्बत करें, उसकी काम को देख के आपको मोहब्बत करना चाहिए ना। क्या देखा तो, आपने देखा तो मैंने ये है कि एक तो ये भी है कि एक उसने सेहत कार्ड हाँ उससे बहुत ज़्यादा गरीब आवाम की जो है उस साइड की बात कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि उसको दोबारा मौका मिले कि ताकि सेहत कार्ड पाकिस्तान में आम हो जाए ना, क्योंकि अब के पी के में बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा मिल गया था ना, बहुत सारे गरीब आवाम थे उसने उसे किया था। बाकी उसके अलावा जो है ना उसने जो शौकत खाना में है ना उसके हवाले से जो कैंसर हॉस्पिटल है ना, तो उसमें भी अल्लाह करे कि पाकिस्तान की हर प्रोविंस में जो है ना वो उसकी ब्रांच लगे ना। Yes, that is true and मैं बोलती हूँ हर हुकूमत को that एक राशन कार्ड और एक ये सेहत कार्ड बहुत ज़रूरी है। देखो मुझे लगता है that एक मुल्क में किसी को भी खाली पेट सोना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और ये बड़ा दुख होता है that बहुत सारे लोग हैं जो जिनके घर में अभी एक ऐसा वक्त है जहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल यही तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि मैं तो हर एक चीज़ पे यानी आपसे लेकर मतलब आप एक्टर्स हो ना, तो एक्टरों पे इन सब पे जो है ना मेरी नज़र होती है ना, और ये करना भी चाहिए ना सबके काम पे इंसान थोड़ा थोड़ा नज़र रखे ताकि उसको अंदाज़ा हो ना। किस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखी हुई है? आप पे मेरा बहुत ज़्यादा नज़र होता है ना आज। शुक्र है मैं ये नहीं बोल रही थी गंदी नज़र किस पर रखी है। भैया बताए गंदी नज़र किस पर रखी हुई है? गंदी की भी तो काफी टाइप्स होती है ना। okay, तो किस टाइप वाले आप बात कर रहे हैं ये बताओ आप कौन से? मैं कभी गंदी नजर नहीं रखता ना, मैं बिल्कुल अच्छी नजर रखता हूँ ना सब पे। हाँ। सबसे आप बताओ महंगाई में आपके बर्थडे विशेस या ये चीजें ज्यादा हुई है या कम हुई है, किस टाइम पर आपने सबसे ज्यादा कितना कमाया था कि यार इस टाइम पर बहुत ज्यादा आए मैसेजेस? इसमें भी एक सीज़न होता है क्योंकि हमारे कुछ इस तरह होता है नवंबर दिसंबर में काम बहुत टफ होता है ना, फिर इस तरह होता है कि कुछ कुछ महीने में काम इस तरह होता है काम बहुत ज़्यादा भी होता है, और हम लोग तो चाहते हैं कि ज़्यादा शादियां करें आप लोग ताकि हमें काम मिले ना, हम तो ये दुआएं भी करते हैं कभी कभार ना, क्योंकि शादियों में हमारा जो है काम हम अपने निकालते हैं ना, क्योंकि हमें वीडियोज़ मिलते हैं फिर इस तरह। सबसे वाहियात मैसेज क्या आया था आपको? अजीब बात ये होता है कि मैं एक बार लाहौर गया था ना, तो एकदम से जो है ना एक आदमी हट्टा कट्टा आदमी था और एकदम से वो आया, उसके साथ बगल में एक बहुत खूबसूरत बीवी भी थी ना, तो वो एकदम से आया और मुझे उस तरह वो चूमने की कोशिश कर रहा था ना, तो उसके बाद फिर ये हो गया कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उस वक़्त ना, तो फिर कहाँ चूम रहा था वो? तो ऐसे ही नहीं कि वो तो मेरे ख्याल में माथे पे चूम रहा था ना। ओके वो शायद थोड़ा व्यू करते कहीं और ही चूम लेता उसके शायद ये इस तरह, लेकिन इस तरह ये फैंस की बात कर रहा हूँ ना कि ऐसे ऐसे फैंस होते हैं ना, तो मैंने फिर उस तरह उसको कहा कि ये मैं इस तरह ऐसे नहीं रखता ना ऐसे, चलो आप ठीक है ऐसे फैंस भी होते हैं कि सुबह 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 लड़कियाँ कुछ होती है कि बाहर जो है ना मॉर्निंग में इस तरह होती है स्कूलों की, जो लड़कियों की बात कर रहा हूँ ना कि मैं स्कूलों की लड़कियों ने बहुत काम करता हूँ ना, तो सुबह सुबह सवेरे जब स्कूल की लड़कियाँ जो है उसकी छुट्टियाँ होती है ना, तो आकर हमारे गेट के सामने इस तरह के नासर खान जैसे कहीं थोड़ा बाहर निकले हमें उसके साथ सेल्फी लेनी है हमें उसके साथ मिलना है, तो फिर मुझे उसमें तरस आता है ना कि अब। लेकिन वो तो क्यूट है। हाँ वो तो बच्चे शरारती हैं उनका दिन बन जाता है। हाँ हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ कि पर्सनल लाइफ जो है ना मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना कि काफी ज्यादा जो है ना वो, लेकिन घर तक किसी के नहीं जाना। हाँ, घर तक वो एक जाती चीज होती है, हर इंसान का एक स्पेस होता है। मैं हमेशा लोगों को ये बोलती हूँ दैट एक आर्टिस्ट की इमेज नाम पब्लिक होता है, उसका सोल उसकी फीलिंग्स उसकी उसका खानदान वो पब्लिक नहीं होता, तो इस तरह आप लोग को एकदम से नहीं जाना चाहिए।
बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।